हेलो एंड वेलकम दोस्तों, विशाल ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप वोटर आईडी कार्ड 2018 की लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, बस आप इस वीडियो को शुरू से आगे तक का देखते रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और इसको शेयर जरूर कर दें। और अगर आप ऐसे ऐसे ऐसी वीडियोस की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसके बराबर में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। तो दोस्तों ये जानते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जो कि मैं यहाँ पर पहले से ही ओपन कर चुका हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक वेबसाइट को सर्च करना है। वेबसाइट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, eci.nic.in। तो यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं eci.nic.in वेबसाइट को आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर सर्च कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन को ढूंढना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रोल रोल। तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को आपको ढूंढने के बाद इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा तीसरे नंबर पर लिंक टू PDF ई रोल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपको आपकी स्टेट मिल जाएगी, यानी कि आपके यहाँ पर जो भी स्टेट है आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी आपको स्टेट दिखाई देगी। जैसे कि मैं यहाँ पर उत्तराखंड से हूँ तो मैं यहाँ पर उत्तराखंड को ढूंढकर इस पर क्लिक कर देता हूँ। आपकी जो भी स्टेट हो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर उत्तराखंड पर क्लिक कर दिया, इसके बाद यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आ गया है AC सेगमेंट वाइज ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल। तो यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन भी हो सकता है अगर आपकी स्टेट। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने ओके कर दिया है। अब यहाँ पर जो है मुझे अपने शहर को ले लेना है, जो भी मेरा शहर है। अब मैं यहाँ पर किसी पर भी अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है मेरे मोबाइल में एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपकी जो भी स्टेट हो, आपका जो भी शहर हो, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ किसी एक शहर पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर जो है मेरे मोबाइल में एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों मैंने एक PDF फाइल को डाउनलोड कर रखा है, तो मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरह से आपका यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड दिखेगा। तो मैं यहाँ पर किसी एक फाइल को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैं यहाँ पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर अपनी वोटर आईडी कार्ड की पूरी लिस्ट यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप इस तरह से अपनी वोटर आईडी कार्ड में लिस्ट में नाम ढूंढ सकते हैं 2018 की। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पर अगर मेरा नाम होगा मैं आराम से इसको सर्च कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आराम से वोटर आईडी कार्ड 2018 की लिस्ट में अपना नाम अपने मोबाइल पर ही देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको काम की लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। और अगर आप ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।